बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अवैध हथियार लाइसेंस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आपको बताएं 36 साल पुराने मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट के एक मामले में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त हमारे संवाददाता मनोज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या खबर आ रही है? देखिए, पूरा मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस, फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से दो नाली बंदूक का शस्त्र इन्होंने प्राप्त किया था, जो कि 1990 में सीबीसीआईडी ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था। ये विशेष न्यायालय मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जिसमें कल मुख्तार अंसारी को सजा दोषी करार दिया गया था और आज उनको सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई है। इसमें उम्र कैद की सजा उनको सुनाई गई है। ये पूरा आठवां मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए। इससे पहले 7 मामले में वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट और तमाम मुकदमों में इनको सजा सुनाई जा चुकी है। तो पूरा मामला ये 34 साल पहले का है, जिसमें ये फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से, इसमें पूर्व डीजीपी और सीएस की गवाही हो चुकी थी, इसमें 5 लोग नामजद थे। तो आज पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें जो मनोज, ये पूरा मामला, इसमें आजीवन कारावास और साथ ही साथ क्या कुछ 2 लाख जी जुर्माना भी लगाया गया है। दो लाख रुपए का उनको जुर्माना भी लगाया गया है उम्र कैद के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवैध हथियार लाइसेंस केस में ये उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।